यूपी जनसंख्या विधेयक हिटलर शाही वाला कानून, सवाना खंडेलवाल। रिश्तों की हत्या करने वाला साबित होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना की साजिश से भरा जनसंख्या विधेयक। गरीब हिंदुओं के लिए आत्महत्या जैसा होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या नियंत्रण में प्रतिबंध नहीं प्रोत्साहन की आवश्यकता। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या दिवस 2021-30 का ऐलान कर दिया है। सीएम ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए इस ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव रखे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने नई नीति जारी करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई जा रही थी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। कई दशकों से बढ़ती आबादी पर चर्चा हो रही थी। सीएम ने कहा कि नई नीति में समाज के सभी तबकों का ध्यान रखा गया है, इससे सभी के जीवन में खुशहाली आएगी। हम आपको बता दें कि इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे के माता पिता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और ना ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा। आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। हम बिल्कुल भी इस कानून से सहमत नहीं है। आप हिटलर शाही लागू नहीं कर सकते। आप कौन होते हैं? आप भगवान को चैलेंज करेंगे? आप लोगों को पाबंदियों में बांधेंगे कि आपके पास अगर 2 बच्चे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी? और अगर ऐसा करते हैं तो वो नियम हमारे ऊपर भी लागू होते हैं। पहले योगी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके यहाँ के परिवारों के उनके बच्चों की लिस्ट निकलवाई जाए, किसको टारगेट बनाया जा रहा है, फिर एक बार किसी एक के लिए टारगेट बनाया जा रहा है। लक्ष्य कुछ और है, शब्द कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें फिर अपने विकास की बात करनी चाहिए। आज लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमें भाईचारा बढ़ाना चाहिए, रोजगार के रास्ते खोलने चाहिए, ना कि हमें चाहे वो पहले जो उन्होंने नियम लागू किए थे उसके नाम पे भी यही हो रहा था, उसके बाद बहुत सारे नियम लागू किए। टारगेट बस लक्ष्य उनका यही है कि किसी तरह से किसी एक कौम को हरेसमेंट किया जाए। आप कौन होते हैं? आप भगवान तो नहीं है ना? आप बच्चों की सीमा निर्धारित करने वाले कौन होते हैं? ये ईश्वर की देन है। या तो आप ये कहें कि आप ईश्वर को मानते नहीं है, आप तो ईश्वर के सबसे बड़े पुजारी बनते हैं, तो आप ईश्वर को अगर मानते हैं तो ये तो ईश्वर की देन है। हमें आप अवेयरनेस ला सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। आप थोप नहीं सकते, ये तो है ही है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैंने आपको कहा ना कि जब कैंची चलती है, जब चाकू चलता है तो वो ये नहीं देखता। आंखों पे पट्टी बंधी है, नियम तो सबके लिए, उसमें अपने भी जाएंगे, अपने भी पिसेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका लक्ष्य तो जो है वो सबको नजर आता है, हर शब्द में नजर आता है, मगर उसमें अपनी कौम के लोग भी, अपने लोग भी। और हम तो कौमों में विश्वास ही नहीं रखते, हम तो सबको साथ जोड़ने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। आप किस किस के बच्चों की गिनतियां करवाएंगे? और मेरे ख्याल से अगर ये गिनतियां शुरू होंगी तो सबसे पहले तो आप अपनी सरकार में ही हार जाएंगे बाजी, क्योंकि वहां भी संख्या 2 तो नहीं है कम से कम। देखिए, वंचित तो वैसे भी हिंदुस्तान के लोग हो चुके हैं। वोट के अधिकार से क्या होता है? खाने से, रोजगार से वंचित है ना, अपने परिवारों से जुदा है, रोज मर रहे हैं हजारों की संख्या में, डॉक्टरों की दवाइयों से वंचित हैं, कोरोना की किट से वंचित हैं, इंजेक्शन जो लगाए जा रहे हैं, वैक्सीन लगाई जा रही है, उनसे वंचित हैं। तो हम तो पूरी तरह वंचित हैं। अब आप ये और नियम हम पे लागू कर दो, आज किसान बैठे हैं वो अपनी लड़ाई में उसमें जीत नहीं पा रहे, वो वंचित हैं, तो किस तरह से आप करेंगे? आप CNRC का जो एक बवाल लेकर आए थे उसमें भी लोगों को, आपका तो टारगेट वही है। इसलिए लोगों को समझ में आता है सरकार क्या सोच रही है, सरकार क्या कर रही है, इस सबको समझ में आता है। उन्हें समझना पड़ेगा। आप सिर्फ लोगों को कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के क्या लोग अपने बच्चों को मरवाना पड़ते हो? कोख में लोग बच्चों को मरवाना शुरू कर देंगे? अगर किसी के 2 बच्चे हैं और तीसरी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसको सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो क्या जाके अबॉर्शन करवाएगा, अपने बच्चे को मरवा देगा, क्योंकि सरकार का फरमान जारी हो गया? तो आप हिटलर कब से हो गए? आप में और औरंगजेब में फर्क क्या रह गया? बीजेपी बंटवारे की नीति करती है।
बांटने का काम करती है, चाहे वो तीन तलाक की बात हो, चाहे वो CNRC की बात हो, चाहे वो लव जिहाद की बात हो, चाहे वो शादी की निकाह की बात हो, चाहे धर्मांतरण की बात हो। उनका मकसद, लक्ष्य, टारगेट एक ही है कि किसी एक कौम को टारगेट बनाना और दूसरी कौम को खुश करना। मगर वो बेचारे सीधे लोग हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उसमें नुकसान उनका भी हो रहा है। वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें भाई से भाई को जुदा कर रहे हैं। हम तो चाहते नहीं, हमारे हिंदुस्तान के लोग ऐसा नहीं चाहते, आपस में बंटना नहीं चाहते, बहुत मोहब्बत है एक दूसरे में, तो हमें नफरतों में क्यों बांटा जा रहा है? आप जज की भूमिका मत निभाइए, जज की कुर्सी पे नहीं बैठे, आप निर्णायक नहीं है। आप, मैंने कहा ना कि एक परिवार के मुखिया हैं, और उसी की तरह करिए कि आशीर्वाद सबके लिए होना। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मांगे गए सुझाव पर प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस सवाना खंडेलवाल ने कहा कि हम इस कानून से सहमत नहीं है, यह हिटलर शाही वाला कानून है। इस कानून से परिवार संकुचित होंगे, संतान ईश्वर की देन है, आप भगवान को चैलेंज कैसे कर सकते हैं? आपकी करनी और कथनी में फर्क नजर आता है। जागृत हो रहे लोग, अपने आप को खुद ही उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि हमारे परिवार में दो बच्चे हों, एक बेटा एक बेटी, मगर आप वंश खत्म नहीं कर सकते किसी का। ये देख रहा है जो गरीब परिवार जो होता है वो ये चाहता है कि मेरे चार संतान हो और चार बच्चे कमाएंगे तो मेरा परिवार चलेगा, मैं शक्तिवान बनूंगा और मैं मजबूत बनूंगा। आप देखिए ना, ये सब करके आप रिश्ते खत्म कर रहे हैं। अगर भाई बहन या दो भाई होंगे तो चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ, ये सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कोई होगा ही नहीं। एक बेटा होगा तो ताऊ कहाँ है, चाचा कहाँ है, एक बेटी होगी तो उसके आगे के कहाँ है रिश्ते, ना उसका कोई जेठ होगा ना कोई देवर होगा। तो इस तरह से हम संकुचित कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं परिवारों को। हमें विकास की तरफ बढ़ना है, हमें लोगों को खुला छोड़ देना है, देश के लोगों की हित की बात करनी है, उनको आजादी जीने की देनी है, उनसे आजादी छीननी नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि योगी जी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस कानून को लागू करके? जिस तरह कहा जाता, संघ कहता था कि जनसंख्या बढ़ाइए, देश को मजबूत करिए, दुश्मन से लड़ना है फिर। ऐसा है ना, मैंने अभी कहा कि कथनी और करनी में फर्क है। पहले तो उन्होंने ये बोला था कि हमें उनके बराबर आना है, सारे हिंदू समाज को, अब हमें वो टारगेट खत्म करना है कि हम दो हमारे दो, हमें जितनी जनसंख्या हम बढ़ा सकते हैं हमें खड़ा होना है उनके बराबर में। तो आप इन्हें कैसे पता होगा, जब खुद का परिवार होता है, जब खुद के परिवार में रिश्ते होते हैं तब उसका महत्व पता होता है। योगी जी, अजय बिस्ट जी को पता नहीं है परिवार के बारे में, उन्होंने कभी परिवार बनाया ही नहीं। मोदी जी ने परिवार बनाया ही नहीं, उनकी पत्नी बिचारी वो आज भी सीता समान इंतजार कर रही है, पर उन्होंने कभी उनको महत्व दिया ही नहीं। तो जिनके अपने परिवार नहीं है वो कैसे इसका महत्व समझेंगे? सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मगर विकास किसका हो रहा है? भाजपा सरकार का, भाजपा सरकार के लोगों का, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और विकास भी हो रहा है, जनता का तो सिर्फ और सिर्फ विनाश हो रहा है, और उसे ही रोकना पड़ेगा, इस जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून की कहीं सराहना हो रही है तो कहीं इस कानून को लेकर जमकर टांग खिंचाई हो रही है। अब देखना ही होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने से CM योगी को कितना लाभ पहुंचेगा। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।